दोस्तों, आज हम मीडिया सेक्टर के स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में देखेंगे जो बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स और ग्रोथ पोटेंशियल्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है बीएमबी म्यूजिक एंड मैग्नेटिक्स लिमिटेड। दोस्तों, बीएमबी म्यूजिक एंड मैग्नेटिक्स ही कंपनी मेनली फीचर फिल्म बनाते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैपिटल 1.83 करोड़ है। स्टॉक का करेंट मार्केट प्राइस 3.02 रुपीज़ है और स्टॉक का प्राइस टारगेट 15 रुपीज़ है और ये स्टॉक 36.6 के पी में ट्रेड कर रही है। दोस्तों, बीएमबी म्यूजिक एंड मैग्नेटिक्स लिमिटेड ये कंपनी मेनली प्रोड्यूस करते हैं फिल्म और मूवीज़ इंडिया में। साथ ही कंपनी म्यूजिक कंपोजिशन और उससे रिलेटेड वर्क करते हैं। दोस्तों, इस कंपनी के बहुत सारे डिजिटल चैनल्स हैं। कंपनी के सर्विसेज में इंक्लूड होता है 2 डायमेंशनल एनिमेशन, 3 डायमेंशनल एनिमेशन, कॉमिक, स्पेशल इफेक्ट्स, फिल्म रेस्टोरेशन, फीचर फिल्म प्रोडक्शन, एडिटिंग, टेलीविजन, कॉमर्शियल, ये सब कुछ। साथ ही कंपनी ऑपरेट करते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड स्टूडियो मॉडल कंट्रोलिंग कंटेंट, जिसमें इंक्लूड होता है सिनेमा, डिजिटल, होम एंटरटेनमेंट, टेलीविजन, सिंडिकेशन, ये सब कुछ। कंपनी प्रोड्यूस करते हैं मोशन पिक्चर्स, वीडियो, मोटिवेशनल और एडुकेशनल फिल्म्स कॉरपोरेट के लिए और रिलीज़ करते हैं अलग अलग तरह के एल्बम्स। दोस्तों, बीएमबी म्यूजिक एंड मैग्नेटिक्स लिमिटेड ये कंपनी 1991 में जयपुर में इस्टेब्लिश हुआ था। दोस्तों, अभी हम कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं। कंपनी के सेल्स 90.2 करोड़ से बढ़कर 211.8 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। कंपनी का नेट प्रॉफिट 53.8 करोड़ से बढ़कर 196.2 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। कंपनी का ईपीएस 3.6 से बढ़कर 8.7 हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। कंपनी का टोटल एसेट 185.6 करोड़ से बढ़कर 816.4 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। दोस्तों, आप कंपनी के शेयर होल्डिंग में देख सकते हैं प्रोमोटर्स ने 87.91% होल्ड किए शेयर्स और पब्लिक ने 12.09% होल्ड किए शेयर्स। दोस्तों, इस कंपनी की इंटीग्रिटी और सर्विसेज के वजह से आज ये कंपनी इतना सक्सेसफुल हुआ है। कंपनी की मैनेजमेंट टीम ये कोशिश करते हैं कि वो उनके कस्टमर्स को बेस्ट मीडिया एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। साथ ही कंपनी प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एंटरटेनमेंट सर्विसेज। कंपनी के मैनेजमेंट टीम में प्रोफेशनल और क्रिएटिव पर्सन है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और मार्केटिंग और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के, जो मैनेज करते हैं कंपनी के सारे ऑपरेशंस। दोस्तों, हमें लगता है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। आपको इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको मीडियम से लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट